अपनी विचार शक्ति को हमेशा स्वस्थ और कार्यशील रखने के लिए प्रतिदिन लॉजिकली एक पजल सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। इस पजल में आपको दी गई है 8 इक्वल स्टिक जिनकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। आपको 8 स्टिक का उपयोग करके एक क्षेत्र बनाना है और ऐसा क्षेत्र बनाना है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो। स्टिक्स को ब्रेक नहीं करना है, स्टिक्स को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है। तो आप कौन सा शेप बनाएंगे? एक छोटा सा निवेदन, पिछली पजल पजल नंबर 365 को रिफर करें। क्या किया था हमने? सेम पेरीमीटर का सर्किल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, 3 शेप हमने बनाए थे और हमने प्रूव किया था कि सर्किल का क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा, रेक्टेंगल का क्षेत्र सबसे कम होगा। हमने डिस्कशन भी किया था कि यदि दी गई पेरीमीटर से, दी गई परिधि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल बनाना हो तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल बनेगा सर्किल का। यदि सर्किल नहीं बनाना हो तो ऐसा क्षेत्रफल बनाना पड़ेगा जिसकी साइड्स सबसे ज्यादा हो। यहां पर हमारे पास कितनी स्टिक्स है? 8। सबसे बड़ा क्षेत्र बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक ऑक्टागन। ऑक्टागन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। आप 8 स्टिक का उपयोग कर स्क्वायर बनाएं, रेक्टेंगल बनाएं, ऑक्टागन बनाएं और देखें किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। आंसर होगा ऑक्टागन। 501 पजल की इस यात्रा में इसी तरह विविध कुशलताओं को विकसित करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।